को लेकर के उसके मन में कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई मोह नहीं, दिया तो बढ़िया, नहीं दिया तो बढ़िया, और उसके बल पर उसको क्या नहीं मिला जो अर्जुन को नहीं मिल पाया वो उसको मिला, जो द्रोणाचार्य के पास नहीं, जो कला द्रोणाचार्य के पास नहीं है वो कला एकलव्य के पास है। इसको कहते हैं अज्ञा रुचि। बहुत गजब की साधना है, लेकिन जो करते वो धन्य है, जो सूत्र की आराधना करता है, जो शास्त्र की आराधना करता है, उसके माध्यम से जिसको सम्यक की प्राप्ति होती है उसको कहते हैं अगम रुचि जीवा संकित। किसी की बुद्धि होती है उसको एक बात बता दो तो पूरा विस्तार कर लेता है। जैसे पानी में एक तिल की बूंद डाली तो कैसे फैलती है, तो तेल की बूंद जैसे वहां जिसका बहुत फैलते चला जाता है उसको कहते हैं बीज रुचि, और जो पूरे विस्तार से जानता है उसको अभिगम रुचि कहते हैं। सारे भावों को जानता है, विस्तार से जानता है, जिसको विस्तार चाहिए भी, और जो दर्शन ध्यान में रखिए, मैं गाथा की तरफ ले जाऊंगा आपको, 25 गाथा। दर्शन की क्रिया, श्रद्धा की क्रिया, ज्ञान की क्रिया, चरित्र की क्रिया, तप की क्रिया, विनय की क्रिया, सत्य की क्रिया, समिति की क्रिया, गुप्ती की क्रिया, कितनी क्रिया गई है? ज्ञान की क्रिया। ज्ञान की क्रिया मतलब क्या? पढ़ने जाना, पढ़ते जाता है, समझ में आए कि नहीं आए, पढ़ते जाता है, पढ़ने की क्रिया करते चले जाता। दर्शन की क्रिया, वंदना करते चले जाता है, चरण छूते चले जाता है, करते चले जाता है। वो क्रिया है दर्शन की, श्रद्धा की क्रिया है, चरित्र की क्रिया है। जो पांच चरित्र है उसमें से समय किया, ये किया, वो किया, तप की क्रिया करते, उनोदरी कर ली, नौकाशी कर ली, पौरुषी कर ली, अयम्बिल कर लिया, एकासन कर लिया, व्यासन कर लिया, जो हो सकता है उसको प्रेम से किया, तप की क्रिया, विनय की क्रिया, अवभाव, रिस्पेक्ट देना, सम्मान देना, सत्य की क्रिया करना है, समिति की, जो समिति मैंने कल विस्तार से आपको बताई, और गुप्ति, इनकी क्रिया करते करते भी श्रद्धा की प्राप्ति हो जाती है। इसको कहते क्रिया रुचि संकेत। और कुछ लोग होते हैं जिन्होंने फालतू की बातों को ग्रहण नहीं किया है, जैन दर्शन को भी पूरा विस्तार से समझा नहीं है, गलत को भी ज्यादा पकड़ के नहीं रखा है, जैन दर्शन को भी विस्तार से समझा नहीं है, लेकिन मन में एक भाव है कि ठीक है ये परमात्मा ने कहा है ना, ये सही है, बस ओके। मेरे माँ बाप ने मुझे कहा है ना नौकर मंत्र सही है, बस ओके ठीक है। मेरे गुरु ने कहा है ना कि मुझे ये सही है, और ओके सही है। उसको यदि पूछने जाओगे किस आगम में लिखा, क्या लिखा, बोले पता नहीं है, मेरे माँ बाप ने मुझे कहा है कि ये सही है, ओके ठीक है। इसको कहते हैं संक्षेप रुचि। और इस संक्षेप रुचि के बल पर ही मैक्सिमम धर्म संघ चलते हैं, मैक्सिमम धर्म संघ चलते हैं। कोई कुरान नहीं पढ़ता है, कोई बाइबल नहीं पढ़ता है, कोई वेद नहीं पढ़ता है, कोई गीता नहीं पढ़ता है, लेकिन कोई गुरु ग्रंथ साहब को पूरा पढ़ता नहीं है, लेकिन उनको एक पता है कि ये गुरुजी ने कहा है ना, ओके ओके, उस पर माथा पच्ची नहीं करते हैं। अपने यहाँ माथा पच्ची ज़्यादा चलती है, जानते तो है नहीं लेकिन माथा पच्ची पर क्यों कर रहे हैं। तो वो संक्षेप रुचि होती है। और जिसको धर्म में रुचि है, आस्तिकाएं के धर्म में रुचि है, श्रुत धर्म में रुचि है, चरित्र के धर्म में रुचि है, उसको संकेत की प्राप्ति होती है। और संकेत के पांच लक्षण बताए, परमार्थ संत होवा, परमार्थ का परिचय करे, जो परमार्थ को जिन्होंने देखा है उनकी सेवा करे, जिन्होंने परमार्थ को देखा है, जिनके जीवन में व्यर्थता नहीं है, अनर्थ नहीं है, फालतू की बातें जिनके जीवन में नहीं है, ऐसे लोगों की सेवा करें। वावन जिनके जीवन में से श्रद्धा चले गई है उनका, उनके पास नहीं जाए। कुदंसन वज्जनाय, मिथ्या दर्शन का जो त्याग कर देता है उसकी सम्यक श्रद्धा पक्की हो जाती है। क्यों कहा गया है, नत्थि चरितम समुत्त विहूनम,
श्रद्धा नहीं है तो क्रिया ड्रामा है, और श्रद्धा है तो क्रिया चरित्र है। क्रिया के दो आयाम है, क्रिया के दो आयाम है। आप यहां बैठे हो, यदि श्रद्धा के साथ बैठे हो तो चरित्र में, और बिना श्रद्धा के क्रिया कर रहे हो सुनने की, तो केवल क्रिया है। ओनली क्रिया, ओनली एक्शन, नॉट ए एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कब आएगा? जब श्रद्धा होगी। इसलिए कहा नत्थि चरितम समुन विहनम। दर्शन होने के बाद क्रिया होगी या नहीं होगी अलग बात है, लेकिन चरित्र तो तभी होगा जब श्रद्धा होगी। बिना श्रद्धा के चरित्र नहीं है, और बिना दर्शन के ज्ञान नहीं, बिना ज्ञान के चरित्र नहीं, और बिना गुण के मोक्ष नहीं। सबका मूल कहां पर है? सम्यक दर्शन। और उसके आठ अंग बताए, मन में कोई शंका नहीं लाना, दूसरी परंपरा का, दूसरे का कांक्षा नहीं लाने मन में, इच्छा नहीं लाने मन में। जैसे सुलसा ने ब्रह्मा विष्णु महेश सारे आ गए, लेकिन सुलसा की नजर भी नहीं उठी, पूरी नगरी चले गए राज रहे, लेकिन सुलसा नहीं गई। उसको कितने निष्कांक्षी आए, निमित्तिक इच्छा है। कोई बात समझ में नहीं आए कि अपने अपनी समझने की एक सीमा है, अपने बोध की एक सीमा है। अपने बोध में कोई बात समझ में नहीं आई तो, समझ में नहीं आई तो उसका पोस्टमार्टम नहीं करना है, उसका उल्टा नहीं लेना, उसकी चिकित्सा नहीं करना, उसको छोड़ देना। अमूढ़ दिट्ठी है, मूढ़ नहीं बनना। उबूह यानी उपरोहन करना अपने साधर्मी भाइयों को, उनके किसी दोष का उजागर न करते हुए उनके गुणों को उजागर करना। थिरी करने, कोई साधर्मी भाई, कोई साधक, कोई साधु, कोई साध्वी, कोई श्रावक, कोई श्राविका, कोई सम्यक दृष्टि यदि धर्म में कहीं पर चलित हो रहा हो तो उसको इमोशनली सपोर्ट दे करके उसको उसमें स्थिर करना है। ये बहुत बड़ा सम्यत्व का अंग है, जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हम सोचते ठीक है नोरी अक्कल गई जान दो, नहीं। जिसके मन में डावाडोल आ गया है उसको जाकर के स्टेबल करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और स्टेबल करने वाले होने चाहिए, उसको कहते हैं थिरी करने। वात्सल्य, अपने सहयात्रियों के प्रति मन में जैसा माँ का एक बच्चे के प्रति प्यार होता है वैसा वात्सल्य मन में रखना। अपने धर्म की प्रभावना के लिए, अपने शासन की प्रभावना के लिए, अपने देव गुरु धर्म की प्रभावना के लिए मौका आ जाए तो जान भी कुर्बान कर देना है। उसको कहते प्रभावना है कि मेरी जान देने से भी मेरे धर्म की प्रभावना होती है, आई एम रेडी। जान देने की बात नहीं है, लेकिन ऐसा प्रसंग आ जाए तो पहले किसको चुनना? जान को चुनना कि प्रभावना को चुनना है? उसको कहते प्रभावना है। ये बाटी जाती है उसको प्रभावना नहीं कहते, वो तो खिलाफत है। तुमने उसको प्रभावना नाम दे करके प्रभावना का डिवैल्यूएशन कर दिया है, इसको प्रभावना नहीं कहते। कहीं पर भी किसी भी आगम में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी प्राचीन ग्रंथ में, किसी परंपरा के प्राचीन ग्रंथ में उठा करके देखिए और कहीं लिखा हुआ हो कि वस्तु बांटना यह प्रभावना है तो मैं मेरी बात को करेक्शन कर लूंगा। वस्तु को बांटने को प्रभावना नहीं कहते, है ना? हाँ, बिल्कुल क्लियर समझ लेना इस बात को, है ना? क्योंकि मुझे सुबह सुबह मेरे पास पर्ची पहुंची कि बोले 13-14 तीन दिन प्रभावना की, तीन दिन तो प्रभावना देने दीजिए। अब क्या जवाब दूँ? कुछ जवाब नहीं दे सकता क्योंकि बाकी अंतर मन से पूछो नॉट रेडी, है ना? क्योंकि ये इसको प्रभावना कैसे कहा जा सकता? मैंने सहज बात चली थी और वातेल मैंने कहा शायद लोग तेला करेंगे तो जो तेला करेंगे वो नौकरशी नहीं करेंगे, वो पोर्शी नहीं करेंगे, तो उनके लिए तुम देना हो तो दे सकते हो। किन के लिए देने के लिए कही थी? कि लोग यहाँ पर आए हैं, है ना,
और रोज की तुम्हारी प्रसादी चालू है, अब 3 दिन तेला करेंगे, तो तेला करेंगे तो वो वहाँ जाएंगे नहीं, फिर जो लाभार्थी परिवार है उसको लाभ मिलेगा नहीं। तो उसके लिए मैंने कहा था कि मैं बता रहा हूँ मैंने किस संदर्भ में यश कहा था। हाँ, जो तेला करेगा उसको बिल्कुल आराम से, उसको लड्डू पकड़ा दो, उसको पेड़ा पकड़ा दो, खाएगा तो नहीं पकड़ा दो, है ना। तो उसको कहते हैं उस आधार से मैंने कहा था। और यदि सारे तेला कर ले तो वहाँ से आओ, फिर तो आराम से प्रभाव ना करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उधर भी खाए नहीं, इधर भी प्रभाव ना ले, तो वो मामला थोड़ा सा अंगले नहीं उतरता है। बाकी जैसा समिति चाहे वैसा करे, मैं कोई झंझट में पड़ने वाला नहीं। 3 दिनों में जैसी समिति की अनुकूलता हो वो तय करे, मेरा उस विषय में कोई भी रोल नहीं रहेगा। मैं तो केवल अपनी बात सामने रखने के लिए यहाँ पर हूँ, बाकी जैसा जिसको जचे वैसा वो कर सकते हैं। मेरी दृष्टि से तो प्रभाव ना उसको कहते हैं कि जिसके कारण से लोगों के मन में धर्म के प्रति आस्था जागृत हो जाए, अवभाव जागृत हो जाए, समर्पण जागृत हो जाए। और मैंने तुम्हारी प्रभावना के खेल देख लिए। एक दिन पुच्छ सुनम का पाठ हो गया है और इधर पुच्छ सुनम का थोड़े से अर्थ कर रहे हैं, 15 मिनट भी जिनको रुकने का पेशेंस नहीं, वो यहां से वहां खाने को गए। और अगली बात बताओ जो मैंने उस दिन नहीं कही, लेकिन वो दृश्य मेरे आंखों दिल में चुभ गया। इधर मंगल पाठ चल रहा है, क्या चल रहा है, मंगल पाठ चल रहा है, और मंगल पाठ चलते हो चलते चले जा रहे हैं वो। मंगल पाठ चलने के बाद भी उनकी खड़ी रह करके हाथ जोड़ करके मंगल पाठ सुनने की तक उनकी तैयारी नहीं। अब मुझे बताइए इनमें धर्म भावना बढ़ पाई, आस्था बढ़ पाई, ऐसा ही होता है। और आपको ये पता है, आपको भी ये पता है, कोई मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब नहीं, आप भी इस बात को जानते हो। इसलिए मैं इस प्रभावना को day 1 से सपोर्ट करता नहीं हूँ। मुझे प्रभावना वो सुहाती है जिसके कारण से लोगों के मन में धर्म के प्रति अवभाव जागृत हो जाए। यस, उसके लिए। लेकिन मंगल पाठ भी सुनने की जिनकी तैयारी नहीं है उनको प्रभावना कहना कि, और तर्क क्या देते हैं लोग, मां साहब कम से कम उन निमित्त से आई ला लल जुड़ी ला। अरे कहां जुड़े वो, यदि वो उस निमित्त से आकर के, मैं सिंपल बात रख रहा हूं, बिल्कुल छोटी सी बात रख रहा हूं, मंगल पाठ चल रहा हो तो जाना चाहिए कि रुकना चाहिए। और यदि वो नहीं रुक रहा है मंगल पाठ के समय भी तो क्या समझना चाहिए, वो धर्म का सम्मान कर रहा है, वो धर्म का बहुमान कर रहा है। ये देख करके मेरा मन थोड़ा सा पीड़ित होता है, मुझे वो सुहाता नहीं। यदि राष्ट्रगान कहीं चल रहा हो, कोई उठ करके खड़ा भी नहीं रहे तो गुनाह हो जाता है ना? और मंगल पाठ के समय में, तो आप सोचिए, ये आपका चिंतन का विषय है। तो इस प्रकार का ये चरित्र क्या, परमात्मा ने कहा कि चरित्र उसको कहते हैं कि जिसके कारण से कर्जा कम हो जाए, वो चरित्र कर्म चरितम, तप के विषय में पूरा अध्याय आगे आएगा ही, उस समय बात करेंगे। आइए 29वां अध्याय, इस 29वें अध्याय को क्या कहूँ मैं आपसे, ये पूरे आगम का सार उत्तराध्यान सूत्र है, और उत्तराध्यान सूत्र का कोई शिखर है तो 29वां अध्याय। एक साइंस, अध्यात्म का साइंस, जिसमें कोई कर्मकांड की बात नहीं। कई बार लोग पूछते हैं, मासा वो सितंबर वो स्थानक वासी वो मंदिर मांगे वो तेरा पंथी वो दिगंबर, ये आगम एक ही बात कहता है कि 72 वो लोग पर जिसकी श्रद्धा है वो जैन है। कितनी? हाँ, इन 72 वो लोग पर जिसकी श्रद्धा है वो जैन है। इसमें कई मुपत्ति की बात नहीं, कई होगे की बात नहीं, कई मंदिर की बात नहीं, कई स्थानक की बात नहीं, कई उपाश्रय की बात नहीं, कई भवन की बात नहीं, कई बिच्छी की बात नहीं।
ये टोटल यदि किसी को चाहिए कि जैन किसको कहना और जैन का आगम क्या हो सकता है, जैन के फिलॉसफी क्या हो सकती है, तो है 32-29वां अध्याय समेत पराक्रम। बहुत गजब का अध्याय है। मैंने पहले भी आपको कहा कि उत्तराध्यन के कई अध्याय ऐसे कि जिनके 4 महीने भी प्रवचन करे तो भी उसी में एक 72 बोल। मैंने इस पर 3 चतुर्मास मैंने इस पर प्रवचन दिए हैं, 3 चतुर्मास मैंने इस पर प्रवचन दिए हैं। बड़ा अनूठा आगम है, बहुत अनूठा आगम है। और एक बात जरूर याद है इसलिए कह रहा हूं, जीडी देशमुख नॉन जैन थे, पुना के चतुर्मास पुना चल रहा था, गुरुदेव के चरणों में थे। और शुरुआत में मैं सम्यक पराक्रम पर 20 मिनट बोलता था, बाद में फिर वाणी भूषण पति स्वाजी महाराज साहब, कुंदन ऋषि महाराज साहब, गुरुदेव प्रवचन फरमाते थे। शायद कभी एक आध बार वो आए होंगे और उसके बाद वो केवल 20 मिनट के लिए आते थे। वो आते हैं, जैसे समय तो पराक्रम का अध्याय पूरा हो गया वो चले जाते हैं, क्योंकि व्यस्त आदमी थे, वकील थे। एक बार कनक भाई मुनोत ने उनको वहां पर देखा मेरे पास बैठे हुए, तो मुझे तो कोई परिचय नहीं था, मैं नहीं जानता था को होने क्या है। बोले आप यहाँ कैसे? मैंने कहा तो रोज आते हैं। बोले ये यहाँ रोज आते हैं? तब पता चला कि वो बहुत बड़े वकील कल के सलाहकार थे। लेकिन समय तो पराक्रम का एक अध्याय अनूठा अध्याय, और मैं इसको एक अलग शैली में आपके साथ आज इसकी बात करना चाहूँगा। पहले तो पाठ पढ़ लेता हूँ, उसके बाद जहाँ से सूत्र शुरू होगा वहाँ से एक छोटा सा अपन नया प्रयोग करते हैं। सवाल का पाठ आप बोलोगे, बाकी पाठ जो है हिंदी का मूल पाठ का अनुवाद में बोलता चला जाऊँगा। सवाल जाएगा आप बोलोगे, जिससे पता रहेगा आप कोई खोए तो नहीं हो। सव दुखान मंदम करेंदी तसन माय मठे यो माय जयतम जहा।